बच्चों की तरबियत का एक पहलू यहाँ पर हमको मिलता है कि वो रोजे से भी जुड़े, साथ ही साथ नमाजों से जुड़े, साथ ही साथ वो रमजान के बाद भी रमजान की भी जिंदगी गुजारने में कुछ कोशिश करें, क्योंकि असल पैगाम रमजान का भी यही है। माह रमजान और मुबारक हमको यही सिखाने के लिए आता है कि हमारी जिंदगी में रोजा और नमाज सिर्फ एक महीने के लिए ना हो, बल्कि वो नेकी और पाकदारी जो हम रमजान में सीखते हैं पाक पाती, वो साल भर हमारी जिंदगी का मामूल बन जाए। और ये आज के प्रोग्राम का बुनियादी मकसद हमारे तलबों को सिखाना है, इसलिए हमने आज ये सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए बच्चों को नहीं जोड़ा। इसके अलावा जो ऊपर तमाम हमारे 1000 से 1200 बच्चे बैठे हैं, वो तमाम आज के इस माइक्रोफोन के साथ से जुड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्कूल इसके साथ में अटैच है इस प्रोग्राम के साथ। तो मैं तमाम मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ। एक चीज जो इस प्रोग्राम की और खास बात है वो ये है कि हमारे चेयरमैन साहब चाहते थे कि जो असातिज़ा अच्छा काम कर रहे हैं उनकी पजीराई की जाए। मैंने उनसे कहा कि भाई अच्छा तो सभी कर रहे हैं, पूरी टीम अच्छा कर रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जब टीम अच्छा कर रही है तो टीम के लिए कुछ करें, उनकी ख्वाहिश थी। मेरा एक सेंटिंग कि मैं ये समझता हूँ कि असातिज़ा को किसी सिले का, मेरे साथी भी समझते हैं, यहाँ वहीं सर हमारे सुपरवाइजर बैठे हैं, असिस्टेंट हेडमास्टर सभी पटेल सर बैठे, उनका इशारा था कि ये सब नहीं होना चाहिए कि भाई असातिज़ा तो उनकी ड्यूटी है काम करना, इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना। लेकिन अब उनकी ख्वाहिश थी हमारे चेयरमैन साहब की, हमारे कुछ स्कूल कमेटी के अराजी में, तो उन्होंने एक काम किया कि हम सब टीचर को कुछ पजीराई करेंगे उनके काम में, अगर सब करके अच्छा तो सबकी पजीराई हो। तो वो भी एक मौका है कि आज इसमें काम इंशाल्लाह उनका भी होगा। इस प्रोग्राम के बाद के सेक्शन में साथ ही साथ हमको ये महसूस हुआ कि हमारी स्कूल जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज अखबारात की जीनत बनी हुई है। रोजा पर अखबारात में हम छप रहे हैं, क्योंकि यहाँ की सरगर्मियाँ इतनी है कि उसको हम अखबारात की, अब हमारा मकसद की पब्लिसिटी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, मैं कभी ऐसा कर, मैं सोशल मीडिया पर बहुत सरगर्म हूँ, सब जानते हैं यहाँ पे ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे बहुत सरगर्म, लेकिन उसका मतलब पब्लिसिटी करता ही नहीं। एक अच्छी सोच को पूरे समाज तक, पूरे माशरे तक पहुँचाना, तमाम उर्दू स्कूलों तक पहुँचाना कि उर्दू स्कूलें इस अंदाज में काम कर सकती है, तब्दीली ला सकती है। मैं अगर अकेला अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरे जैसा और दीगर लोग काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों का जिंदगी तब्दील होगी, ये मकसद उस पब्लिसिटी का है। और उस मकसद को हासिल करने के लिए हमारे जो मौलवीन के तौर पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अखबारात है हमारे साथ में, जो उर्दू के मशहूर और मारूफ और मौकी अखबारात हैं, जिनको कई सौ नहीं बल्कि कई हजार लोग रोजाना पढ़ते हैं। उसमें हमारे साथ में जो तशरीफ करते हैं और रफीक शेख साहब जो उर्दू टाइम्स रोजनामा उर्दू टाइम के मौलवी मुदीर हैं, तो हम चाहते हैं कि उनकी भी पजीराई हो, क्योंकि वो हमारे इदारे का के जो खबरें हैं उनको कहीं ना कहीं कवरेज में लाते हैं। इसी तरीके से खालिद अब्दुल कयूम अंसारी साहब यहाँ पर अभी बाद में तशरीफ लाए, ये रोजनामा इंकलाब के रिपोर्टर हैं, यहाँ के सहाफ़ी हैं, स्पोर्ट्स का कॉलम माजी में इन्होंने बड़ा अच्छा लिखा इंकलाब में। इसके अलावा जो है वो और दीगर अखबार से जुड़े हैं, तो हम जब इनको कोई खबरें भेजते हैं तो उनको नज़रअंदाज नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो एक स्कूल के काम के जरिए दीगर स्कूलों तक पहुँचाएँ और वहाँ पर तब्दील लाएँ। तो खालिद अब्दुल कयूम अंसारी साहब हैं, उसी तरह से फहीम अख्तर अंसारी साहब हैं जो रोजनामा मुंबई उर्दू न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उसके अलावा तकरीबन आधे दर्जन अखबार के रिपोर्टर हैं यानी मैं आधा दर्जन इसलिए बोल रहा हूँ बल्कि एक दर्जन जरूर चलेगा, क्योंकि रोज इतने सारे अखबार की खबरें आ जाती हैं, तो हर जगह फहीम अख्तर अंसारी साहब का नाम होता है। तो हमारे साथ ये भी जुड़े हैं, हम चाहते थे कि अखबार से जुड़े हुए तमाम लोग पजीराई करें और उनको बुलाएं, तो हमने उनको बुलाया, मैंने एक रस्मी दावत दी और उन्होंने बहुत दिलचस्पी से इन सब लोगों ने उसे कबूल किया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, और मुस्तकबिल में भी मैं ये चाहूँगा कि सिर्फ हमारी स्कूल को सिर्फ पब्लिसिटी के अंदाज में ना देखें बल्कि गुडविल फैलाने के लिए, कि मैं फिर बार बार वो बात करता हूँ, कहीं एक अफसाना पड़ा था कि गुडविल कैसे फैलती है, तो किसी शख्स ने कहा कि भाई मैं सुबह रिक्शा में बैठा, उसका दोस्त उसके साथ में था, और उस टैक्सी में या रिक्शा में जब वो उतरा तो उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, तो शख्स ने कहा उसके दोस्त ने कि यार ड्राइवर को ये जुमला कहने की क्या जरूरत थी कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाई, तो अच्छी चलाते हैं
अच्छी नहीं चलाएगा तो काम कैसे करेगा। तो बोले नहीं, मैंने ये कहा कि अभी ये जब लोग जब इसके साथ में जब बैठेंगे दीगर दिन भर में 100 लोग तो उसमें से ये सब 100 के साथ अच्छा सुलूक करेगा, क्योंकि इसको सुबह ये बताया गया है कि भाई वो काम अच्छा कर रहा है और अच्छा लोगों के साथ बिहेव कर रहा है, तो वो 100 नहीं 200 लोगों के साथ अच्छा करेगा। जब वो 100 या 200 जाएंगे तो उनको कुछ जब अच्छा सुलूक उनके साथ होगा तो वो 2000 लोगों के साथ अच्छा करेंगे, और जब वो 2000 लोगों तक अच्छी बात पहुंचेगी तो 5000 लोगों तक अच्छा करेंगे और 5000 से 5 लाख तक, यानी गुडविल जो है वो ऐसे फैलती है। कोई अच्छा काम आप करो तो वो फैलता चला जाता है समाज में।